अस्सलाम वालेकुम, सरगोधारन को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मारक हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर साहब की यहाँ पे है एकेडमी, जिसका नाम है अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे उनके जो बड़े साहबजादे हैं माशाल्लाह, वो यहाँ पे हेड कोचिंग करते हैं माशाल्लाह। और ये वो एकेडमी है, यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं। आज हम आपको विज़िट कराते हैं अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। नाज़रीन, माशाल्लाह जो क्या है नसीम शाह, जो कि इस वक्त पूरे दुनिया का स्टार है माशाल्लाह, वो यहाँ से खेल कर गए हैं माशाल्लाह। और उनके जो छोटे भाई हैं वैद शाह, वो भी यहाँ पर खेल रहे हैं। अभी वो अंडर 19 के लिए गए हुए हैं, वो खेल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ, तो वो अभी खेल रहे हैं। तो माशाल्लाह वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे फुली वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे यही कुछ सीखना चाहता है। वो भी बेसिकली फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह की तरह, और उन्हीं को देखते हैं और उनकी तरह कॉपी करते हैं। उनका एक्शन भी बिल्कुल उनकी तरह सेम है, और वो माशाल्लाह नसीम शाह की तरह, जिस तरह उनके भाई ने नाम रोशन किया, ऐसे ही वही आगे आना चाहते हैं माशाल्लाह। तो ये जो अकेडमी है, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर बन के जाते हैं माशाल्लाह आगे। जी आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत सारे सादा स्टूडेंट हैं। अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, वो सब चीज़ें अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो हेड कोच हैं माशाल्लाह सलमान कादिर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत। सर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, आपने कीमती टाइम में से टाइम लिए, बहुत शुक्रिया। नहीं कोई मसला नहीं। सर ये बताइएगा, माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे, तो आपके माशाल्लाह जो खिलाड़ी हैं यहाँ से, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं, तो कितनी खुशी होती है जब यहाँ से जाते हैं? जी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और शुक्र अल्लाह ताला का, जिसकी वजह से, प्लेयरों की वजह से हमें भी अल्लाह पाक इज्जत देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए सर जी, आपने मेरे ख्याल में काफ़ी जल्दी क्रिकेट को छोड़ दिया। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले क्रिकेट छोड़ दी थी, चूँकि बात यह है कि अगर मैं खुद से क्रिकेट खेलूँ और साथ में कोचिंग करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो हमारा जो है, मेरा मोटिव यही था कि यार अगर मैं खुद खेलता रहूँगा तो बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से भी मैंने क्रिकेट छोड़ दी और इस वजह से अभी बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, नसीम शाह माशाल्लाह यहाँ से खेल के गया है, तो वो यहाँ पर कितना अर्सा उसने लगाया है यहाँ पर? अभी भी खेलता है हमारे पास ही। अच्छा, अभी भी आपके पास आता है? जी जी आता है। अच्छा, यानी कि जब वो छोटा था तब से यहाँ पे आता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसे तकरीबन 2017 में वो आया था, 16-17 में। अच्छा, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ वो ट्रेनिंग करता है, उसको आप ट्रेनिंग करवाया करते थे? हाँ, शुरू में जब वो आया, ऑब्वियसली जब वो पाकिस्तान अंडर 19 वगैरह तब चला गया कैंप में, फिर ज़रा आपको पता टाइम कम मिलता है, तो शुरू में इनिशली जो भी कर सके थे हम लोगों ने किया। फिर माशाल्लाह आपके जो भाई हैं आसमान कादिर साहब, वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान टीम के हिस्से हैं, तो उसके वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दुआ है कि अभी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, और अभी वनडे खेलने के लिए गया है, दुआ है कि वो टॉप करे और वापस पाकिस्तान टीम में आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा यहाँ पे एडमिशन के वाले से क्या निज़ाम है, कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं? हमारा एक सिस्टम है प्रॉपर, मैनेजर हैं वो डील करते हैं इसके अंदर। अच्छा माशाल्लाह, अभी आप बैटिंग करके आए हैं? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? हैं, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? दो साल हो गए। दो साल हो चुके हैं आपको, तो कितना कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे? बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पे आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की टेक्निक, बैटिंग की अलग टेक्निक है, बॉलिंग की अलग टेक्निक है, जैसे गली में खेलते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छी, क्या कहते हैं, टेक्निक यहाँ पे सिखाते हैं, हार्ड बॉल का डिफरेंस से टेप बॉल से। सही हो गया। यहाँ पे नसीम शाह खेल के गए हैं, तो उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? 3-4 दफ़ा हो चुकी। अच्छा, उनके साथ कभी खेलने में सामना हुआ? हाँ जी। अच्छा, ग्राउंड में आया, मैंने उनको फेस किया बॉलिंग। अच्छा, तो कैसा लगा जब पहली बार उनको आपने फेस किया? डर सा लगा। अच्छा, कि बॉलर तेज है, लेकिन उन्होंने थोड़ा स्लो किया था कि नया बैट्समैन। कब से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? इधर हमारा 1 मंथ हुए। अच्छा, ट्रेनिंग शुरू किया है, 1 मंथ हुए, बहुत अच्छे एकेडमी है। अच्छा, हर ट्रप फैसिलिटी भी है, फर्स्ट हर कोई फैसिलिटी है। सही हो गया। अच्छा, तो माशाल्लाह यहाँ पे आप बैट्समैन हैं, आप किट में खड़े हैं? हाँ, बैट्समैन। कौन सा बैट्समैन फेवरेट है? मेरा बैट्समैन तो एबी डिविलियर है फेवरेट। हाँ, इसकी बस यूट्यूब में वगैरह वीडियो भी देखता है। अच्छा, इसको हर इस तरह हर शॉट खेलना है। अच्छा, अभी आपके अंदर क्या है कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ?
انشاءاللہ بس محنت کروں گا اللہ محنت ہر انسان کی ضائع نہیں ہوتی اور انشاءاللہ کچھ محنت کروں گا انشاءاللہ مجھے آگے موقع ملے گا بیسٹ ویشز ہیں آپ کے الحمدللہ اچھا یہ بتائیے گا یہاں سے کب سے آپ ٹریننگ کر رہے ہیں جی ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ہاں جی اچھا تو کون سا آپ کا فیوریٹ ہے کرکٹر وراٹ کوہلی اور جوس بٹلر اچھا جوس بٹلر اور وراٹ کوہلی اور پاکستان ٹیم میں کون سا فیوریٹ ہے آپ کا بابر اعظم بابر اعظم اچھا تو یہاں پہ بیٹس مین ہے یس سر ہاں اور کیسے آپ کو یہاں پہ کوچنگ کروائی جاتی ہے بہت اچھی کوچنگ کرائی جاتی ہے اور کافی چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے اچھا یہاں پہ سننے میں آیا کہ نسیم شاہ اور عثمان قادر صاحب وہ یہاں سے گئے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کو یہاں پہ کافی دفعہ ملوں گے اچھا ملاقات ہوئی ہے ان سے کبھی ان کی بالنگ کا سامنا کیا نو سر اچھا بالنگ کا نہیں سامنا کیا ویسے ان کے ساتھ کیسے ہیں ٹھیک آپ سنو الحمد للہ سر یہ بتائیں کب سے یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں اچھا چھ مہینے ہو گئے چھ منتھ ہو گئے جی جی تو یہاں پہ آپ کا پکا نسیم شاہ سے واسطہ پڑ چکا ہوگا ہاں دیکھا تھا ادھر آیا تھا وہ اس کے بعد تو ملے نہیں ہیں ہم اس سے ایک بار دیکھا تھا یہاں دیکھا ہے اس سے لائیو ملاقات ہوئی تھی جی جی اچھا تو آپ بیٹس مین ہیں بولر ہیں میں بیٹس مین ہوں اور اس کے کون سا آپ کا فیوریٹ بیٹس مین ہے میرا بابر اور وراٹ دونوں ہیں اچھا دونوں ان کا موازنہ آپس میں ہوتا ہے وہ دونوں آپ کے فیوریٹ ہیں بالکل بالکل صحیح ہو گیا تو یہاں پہ کتنا ٹائم ٹریننگ آپ کرتے ہیں ڈیلی کی بنا پہ ڈیلی کبھی ہم 11 بجے آتے ہیں کبھی 2 بجے آتے ہیں پھر 2 بجے سے پہلے مطلب ادھر کیا کہتے ہیں یار ٹریننگ ہوتی ہیں وارم اپ ہوتا ہے پھر اس کے بعد نٹ لگتا ہے نٹ میں بیٹنگ کر لیتے ہیں پھر آ کے فیلڈنگ کر لیتے ہیں پھر فیلڈنگ کرنے کے بعد شام کو اسٹریچنگ وغیرہ کر کے پھر جاتے ہیں صحیح ہو گیا ماشاء اللہ یعنی کہ آپ کافی حد تک ٹائم دیتے ہیں جتنا آپ کو ہو سکتا ہے